दोस्तों अगर आपको पता होगा तो Xiaomi जो है वो हर साल A सीरीज में एक नया फोन लेकर आती है जो कि डिजाइन वाइज, प्राइस वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पिछली बार Mi A3 लॉन्च हुआ था और अब की बार जो है वो आने वाला है Mi A4। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्राइस देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे और इंडिया लॉन्च डेट भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपके दोस्तों Mi A4 से पहले अगर हम बात करें Mi A3 के बारे में तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी डिजाइन, बहुत ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन, बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिल जाती थी। वहां पर सिर्फ उसका एक जो है वो ड्रॉबैक था, एक कमी थी कि वहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो HD+ रेटिंग मिलता था। अगर FHD+ होता तो वो फोन बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता था और ज्यादा अच्छा अपने मतलब वहां पर और ज्यादा सेल हो सकता था। पर HD+ रेजोल्यूशन के साथ में भी वो फोन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से सेल हुआ, बहुत ही ज्यादा उसके यूनिट्स बिके थे। और मैंने खुद उस फोन को एक बार ट्राई किया है, मैंने परचेज नहीं किया था, मेरे एक दोस्त के साथ पास में देखा था, वो फोन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और इन सबके साथ में वहां पर प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो देखने को मिल जाता है A सीरीज में, वो एक बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। तो अगर हम बात करें Mi A4 के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो Mi A3 से सीखकर Xiaomi जो है वो यहाँ पर आपको एटलीस्ट FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले दे दे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर डिजाइन जो है वो सिमिलर हो सकता है Mi A3 के, मतलब यहाँ पर भी आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा जो कि अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे नॉट जस्ट व्हाइट, नॉट जस्ट ब्लू वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब की बार जो है वो यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, पिछली बार ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप था, लेकिन अब की बार जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि शायद से यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर मतलब यहाँ पर पंच होल देते हैं तो एमोलेड पैनल के साथ में पंच होल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो यहाँ पर पंच होल नहीं देंगे शायद से। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, साथ में ये फ्रंट एंड बैक जो है वो गोल्ला ग्लास बाइकिंग प्रोटेक्शन के साथ में आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट और अब की बार डेडिकेटेड सिम स्लॉट हो सकता है शायद से, लेकिन अगर हाइब्रिड भी आता है तो भी अच्छी ही बात है। अगर हम बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो एंड्रॉइड 10 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड होता ही है तो MIUI का कोई झंझट है ही नहीं यहाँ पर। तो अब अगर हम स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6 इंच का एक FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो कि AMOLED पैनल होने वाला है। और यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा जैसे कि Mi A3 में देखने को मिल चुका है। बाकी यहाँ पर स्क्रीन जो है वो कुछ ऐसा ही हो सकता है और फ्रंट जो है कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर हम बात करें इसके कैमराज के बारे में तो फ्रंट में जो है वो अब की बार भी आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। बाकी क्वाड रियर कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर A सीरीज कैमरा के लिए ही जानी जाती है, तो यहाँ पर आपको 64 MP का एक मेन सेंसर देखने को मिल सकता है। बाकी 3 कैमरा जो वो 8+2+2 के हो सकते हैं, जिनमें 8 अल्ट्रा वाइड लेंस हो सकता है, 2 वाला जो है डेप्थ सेंसर हो सकता है और 2 वाला मैक्रो लेंस हो सकता है। तो मतलब ये हो गए इसके कैमरा सेटअप। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर कंपटीशन को देखें तो 730G जो है वो होगा ही होगा, बाकी यहाँ पर इससे कम तो शायद से नहीं देंगे। और अगर स्नैपड्रैगन 730G होता है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फोन हो सकता है। अगर हम बात करें इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर 4000 mAh की भी देखने को मिल सकती है जैसे कि A सीरीज में होता रहा है। तो यहाँ पर ये बैटरी जो है वो 4500 mAh की हो सकती है जो कि 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, लेकिन इसकी प्राइस को कम रखते हुए 10W का चार्जर जो है वो आपको अवधि बॉक्स देखने को मिल सकता है। और रेम और स्टोरेज वेरियंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 464GB 6128GB वाले 2 वेरियंट देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है यहाँ पर 8128GB वाला एक और वेरियंट देखने को मिल जाए। और अगर हम इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में फाइनली बातें करें तो यहाँ पर इंडिया में ये जो है, अगर हम इसकी पहले प्राइस देख रहे तो यहाँ पर कंपटीशन को देखिए जो कि रियलमी X2 जो है वो इसकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ में आ जाता है, जिसका बेस वेरिएंट जो है वो 464 वाला 17000 की कीमत में आता है। तो हो सकता है उससे कम्पीट करने के लिए ये उससे कम कीमत में मतलब 13 से 15 हज़ार के बीच में आ जाए, इंडिया में हो सकता है 14500 या फिर 14000 की कीमत में भी आ जाए और हो सकता है 15000 की कीमत तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। अब यहाँ पर 15000 से ऊपर होगा तो शायद से कंपटीशन जो हो और ज़्यादा टफ हो सकता है, बट यहाँ पर अगर 15000 से कम होता है तो Xiaomi का Mi A4 जो हो किंग होने वाला है इस प्राइस में, इस प्राइस रेंज में।
बाकी अगर हम इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो उन्होंने मतलब टेक्नो रोहित के चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा कि पहले हम अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, उसके बाद में ए सीरीज के अगले फोन पर जाएंगे, मतलब वहां पर मी ए थ्री पर जब एंड्रॉयड 10 का अपडेट आपको मिल जाएगा, हर एक फोन पर आ जाएगा, जो कि उन्होंने कहा था फरवरी एंड तक, तो मतलब ये इंडिया में जो है वो मार्च या फिर अप्रैल के एंड तक आ सकता है। तो बस यही थे सारे के सारे एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन मी ए फोर के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर मैं वीडियोज बनाता रहूंगा। जब भी यहाँ पर कोई लीक्स और रूमर्स आएंगे तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पास में बेल आइकन का उसे भी दबा देगा, क्योंकि इसके बगैर आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। कोई भी सवाल या सुझाव है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक इसी तरह में शामिल करें, धन्यवाद।